हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट वे इंस्टीट्यूट यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। ये जो आपकी क्लास है, इसमें हम करेंगे आपके सिंपल इंटरेस्ट का जो सेकंड पार्ट है वो। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा दिया है। फर्स्ट पार्ट में कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और 8 या 10 क्वेश्चन करी थी, तो उसके बाद जो आपके कॉन्सेप्ट्स रिमेनिंग है हम उन्हें कर लेते हैं। इस पार्ट में आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे वो कराऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल बी ₹300 आफ्टर 5 ईयर्स। मतलब 5 साल बाद आपको एक सम पे ₹300 का ब्याज मिलेगा, ठीक है। इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स प्रिंसिपल इज ट्रिबल। अगले 5 साल में क्या हुआ, जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या होगा, ट्रिबल का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स, ठीक। वट विल बी द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 10th ईयर। तो हमें ये बताना है क्या कि 10 साल के बाद में, मतलब लास्ट में टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। तो मैंने आपको जैसा बता रखा है कि अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, पे इंटू आर बाई 100 इंटू में टी। तो बस हमें इसी पर वर्क करना है। तो इसमें क्या रखा है, क्या द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी विल बी ₹300 आफ्टर 5 ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए, आपको ₹300 का ब्याज मिला है, प्रिंसिपल कितना है कुछ भी नहीं दे रखा, हम पी मान लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता आर मान लेते हैं, टाइम कितना है 5 साल, क्लियर। आर मान लिया हमने, यहाँ पे टाइम दे रखा है 5 साल। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से आपका क्या इक्वेशन बनेगा, ये हो जाएगा आपका 5 PR इक्वल्स टू में 30,000। यहाँ से जो आपकी PR की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 6,000, क्लियर। अब ये तो PR की वैल्यू आ गई 6,000। अब हमें आगे कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रखा है इसने। अब अगले 5 साल में क्या हुआ, जो प्रिंसिपल है आपका ट्रिपल्ड हो गया। तो देखिए, अब अगर हमें अगले 5 साल का ऐसा ही निकालना होता तो प्रिंसिपल ट्रिपल हो चुका है, मतलब पहले पी था तो अब प्रिंसिपल कितना होगा, 3P इंटू में, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी नहीं पता बट टाइम पता है क्या, अगले 5 साल का निकालना है, इंटू में 5। तो यहाँ से अब देखिए क्या है, ऐसा ही। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे PR की वैल्यू निकाली है 6,000, हम इसे यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 3 इंटू में 6,000 और इंटू में 5 डिवाइड बाई 100। तो इसे सॉल्व करने पे जो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा अगले 5 साल का, वो आ जाएगा कितना, 900, और पहले 5 साल में आपको कितना मिला था, 300। मतलब जो टोटल आपका ब्याज होगा, टोटल ऐसा ही 10 साल का, वो कितना होगा, 300 प्लस में 900 इक्वल्स टू 1200, क्लियर। ये आपकी मैथ्स क्लास चल रही है और हमारा स्पेशल बैच अभी स्टार्ट हुआ है जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जिसमें आपको सेमेस्टर पढ़ाएंगे, तो प्लीज़ आप उनकी क्लास भी जरूर देखिए, ठीक है। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, और जैसा कई बच्चों के कमेंट आ रहे कि रीजनिंग के लिए भी हमें क्लास प्रोवाइड की जाए, तो उसके लिए भी मैंने एक टीचर हायर कर लिया है, मिस्टर दीपक कुमार, जो कि सीजल की तैयारी भी कर रही है, उनका क्वालिफाई भी हो चुका है एक बार, ठीक है। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या रखा है, क्या अ सम ऑफ ₹2600 इज लेंट आउट इन टू पार्ट्स इन सच अ वे दैट द इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट एट 10% फॉर 5 ईयर्स is equal to that on another part at 9% for 6 years. Find the two parts. मतलब इसने क्या रखा है क्या क्वेश्चन में कि ₹2600 को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। पहले को दे रहा है ये 10% पे, और कितने साल के लिए, ये दे रहा है यहाँ पे 5 साल के लिए, दूसरे को 9% पे 6 साल के लिए, क्लियर। बट इसने क्या कह रखा है, जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है उनका जो इंटरेस्ट है वो दोनों इक्वल है। तो अब देखिए हमें करना क्या, दो पार्ट है यहाँ पे, ठीक। इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको काफ़ी आसान तरीका बताता हूँ कैसे करना है।
यहाँ पे ले लेते हैं हम क्या फर्स्ट पार्ट, और एक जगह में ले लें यहाँ पे क्या सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना दे रखा है 10%, सेकंड पार्ट का कितना है 9%, फर्स्ट पार्ट का जो टाइम ड्यूरेशन है कितने साल के लिए, ये आपका 5 साल के लिए, सेकंड वाला है 6 साल के लिए। हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 50% और ये आ जाएगा 54%। क्लियर। अब ये फर्स्ट पार्ट पे ऐसा ही आपको कितना मिलेगा टोटल 50% और सेकंड पार्ट पे 54%। और क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि दोनों का जो एस आई है वो दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ से इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो आपका रेशियो आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का 27/25। क्लियर। अब यहाँ से अगर हमें फर्स्ट पार्ट निकालना हो तो बात करूँ मैं फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट आपका कितना हो जाएगा 27/52 और इंटू 2600, तो ये आपका सॉल्व करने पे आ जाएगा 1350 फर्स्ट पार्ट। जो आपका सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट होगा क्या, जो स्टूडेंट सेकंड क्लास देख रहे हैं वो आप ऐसे ही पहली क्लास देखिए, इससे जो भी आपके बेसिक कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। सेकेंड पार्ट आपका कितना 1250। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है इस पार्ट का, थर्ड क्वेश्चन में क्या रखा है, क्या अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4% पर एनम। एक आपने कुछ प्रिंसिपल जमा किया होगा जो 3 गुना हो जाता है 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1 साल बाद। एट वाट रेट ऑफ परसेंटेज विल इट बिकम 6 times, हमें बताना है किस दर पर ये 6 गुना होगा। क्लियर। तो इसमें देखिए करना क्या, आपको कुछ नहीं पता तो हम मान लेते हैं क्या, लेट द प्रिंसिपल। क्लियर। तो मैंने माना क्या यहाँ पे, लेट द प्रिंसिपल को हमने मान लिया क्या, कुछ ही मान सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे मान लिया 10। अब ये 3 गुना हो जाता है, तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे आपका ये जो टोटल अमाउंट है कितना बन गया 30। तो यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँ एस आई की, तो एस आई कितना कैसे निकालते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, तो ये आएगा कितना 20। अब 20 का आपको एस आई मिला है, प्रिंसिपल था 10, टाइम दे रखा है 1 साल, यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ से जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% दिया हुआ था, क्लियर, पहले वाले केस में। तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा, टाइम नहीं दिया है तो टाइम आ जाएगा कितना 2000/40, तो टाइम आ गया कितना 50 ईयर्स। क्लियर। टाइम आ गया 50 ईयर्स। अब देखिए क्या ये कह रखा है कि 6 गुना कितना होगा। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे 10 था तो 10 का 6 गुना कितना होगा 60, यानी जो हमें ऐसा ही मिलेगा ब्याज वो कितने का मिलेगा, वो मिलेगा हमें 50 का। क्लियर। अब 50 रुपये का ब्याज चाहिए, प्रिंसिपल है 10। क्लियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, बट टाइम टाइम सेम है, टाइम हमें वही लेना है 50 साल, और ये आपका आ जाएगा कितना, यहाँ से जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 10%। क्लियर। मतलब 10% पे आपका अमाउंट 6 times हो जाएगा 50 साल में। जो चौथा क्वेश्चन है इस पार्ट का, ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, अ मैन इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 15860 इन द नेम्स ऑफ हिज 3 sons ए बी एंड सी इन सच अ वे दैट दे गेट द सेम अमाउंट आफ्टर 2, 3, and 4 years रिस्पेक्टिवली। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% देन फाइंड द रेशियो इन विच द अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड। इस क्वेश्चन को हम लेंथी मेथड से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट मेथड से भी। जो हमें कॉम्पिटिशन एग्जाम में अप्लाई करने हैं वो शॉर्टकट मैथड, बिकॉज टाइम इज वेरी क्रुशल। तो इसमें देखिए 3 sons हैं इसके, ए बी एंड सी। अब यहाँ पे पहले को दिया है 2 साल के लिए, टाइम लिख लेते हैं हम यहाँ पे, दूसरे को दिया 3 साल के लिए, चौथे को 4 साल के लिए।
जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? पहले वाले का है 5%, सेकंड वाले का भी 5 है एंड थर्ड वाले का भी 5 है, टाइम डिफरेंस है। इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 10%, ये आ जाएगा 15%, और ये आ जाएगा आपका यहाँ से 20%। क्लियर? अब हमें करना कुछ नहीं है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे अमाउंट सेम मिल रहा है, तो स्टार्टिंग में हमने मान लिया क्या कि सबको 100 100 दिया, तो ए को कितना मिलेगा? 10 का ब्याज मिला, मतलब ए का शेयर कितना हो गया 110, बी का कितना हो गया 115, एंड सी का कितना हो गया? सी का हो जाएगा 120। क्लियर? अब हमें इनका एलसीएम ले लेना है, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि अमाउंट बराबर करना है हमें, तो एलसीएम इसका आ जाएगा आपका, ले लेते हैं हम, तो यहाँ से ए बी एंड सी तीनों का रेशियो आ जाएगा। क्लियर? तो ये जो आपका एलसीएम आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा कितना, 17160। इतनी लंबी कैलकुलेशन वैसे पेपर में नहीं आएगी आपके, तो प्लीज़ डोंट टेक एनी टेंशन। कितना आ जाएगा ये 17160। इसे काटेंगे तो आपका रेशियो आ जाएगा कितना, ए का आ जाएगा 276, बी का आ जाएगा 264, एंड सी आ जाएगा आपका 253। क्लियर? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। हमने क्या किया यहाँ पे, जो टाइम दे रखा था इनसे ले लिया हमने ए बी एंड सी, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे 100 में ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया? क्योंकि हमने मान लिया क्या कि स्टार्टिंग में सबको 100 100 दिया गया, फिर हमने इसे इक्वल किया, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए हमने इनका एलसीएम लिया। एलसीएम लेके इनका रेशियो आ गया क्या, 276, 264 एंड 253 का। जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका इस पार्ट का, वो है क्या, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इट सेल्फ इन 3 ईयर्स। कोई पैसा है, धन है, जो खुद का 4 गुना हो जाता है 3 साल में, एट अ सिंपल इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सिंपल है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 7 टाइम्स। इसे दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मैं शॉर्टकट बताता हूँ, एक इसका लेंथी मेथड भी है। तो पहले हम देखते हैं क्या शॉर्टकट मेथड इसका। देखिए शॉर्टकट क्या है इसका, पैसा हमने मान लिया कुछ भी, सपोज कीजिए मैंने 10 रुपये जमा किए थे, ये खुद का 4 गुना हो गया, यानी कितना हो गया, ये खुद का 4 गुना होगा तो 40 हो जाएगा। क्लियर? और टाइम जो दे रखा है कितने साल में हुआ है, ये हुआ है आपका 3 साल में। अब एक चीज़ देखें, यहाँ पे आपने जमा किए 10 रुपये और वो हो जाते हैं 40 रुपये, यानी जो आपको यहाँ से ब्याज मिला 3 साल का SI, वो कितना मिला है, वो मिला है आपको 30 का। अब 3 साल में 30 का मिला है, तो 1 साल का निकाल लेते हैं हम, कितना होगा, 1 साल का होगा 10 रुपये, या 10 यूनिट कुछ भी आप मान लीजिए। अब इसने क्या कह रखा है कि ये 7 गुना होने में कितना टाइम लेगा, तो 10 है और इसे 7 गुना अगर होना है तो कितना होगा ये 70। अब यहाँ पे जो हमें SI चाहिए, SI आपको कितना चाहिए, 60 का। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, कि अगर आपको 1 साल में 10 का ब्याज मिल रहा है, तो 60 रुपये का ब्याज आपको कितने साल में मिलेगा, 60 अपॉन में 10, मतलब कि 6 ईयर्स या 6 साल। क्लियर? इसे लेंथी मेथड से करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो प्लीज़ आप उसे ट्राई मत कीजिए। दोबारा बताता हूँ कैसे करना है। इसने कहा था कोई अमाउंट था वो खुद का 4 गुना हो जाता है 3 साल में, तो 10 हमने मान लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, 10 20 15 एटसेट्रा, ये खुद का 4 गुना हो गया, यानी कितना हो गया 40। यहाँ से जो SI है, SI कितना निकला, 30, 3 साल का 1 साल का निकाल लिया हमने कितना, 10। अब इसने क्या रखा था क्या कि ये खुद का 7 गुना होने में कितना समय लेगा, तो 10 था, इसका 7 गुना कितना होगा 70। यहाँ से जो ब्याज चाहिए हमें 60 का, 1 साल का ब्याज 10, तो 60 रुपये का ब्याज मिलेगा आपको कितने साल में, 6 साल में, विच विल बी योर आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस पार्ट का, इसमें क्या रखा है क्या, 2 equal amounts ऑफ मनी आर डिपॉजिटेड इन 2 banks। 2 समान राशियों को अलग अलग बैंक में 15% और 15% पर 3.5 साल और 5 साल के लिए जमा किया जाता है। अगर दोनों के ब्याज का अंतर 144 हो, तो दोनों धन बताओ कितना होगा।
अब यहाँ पे देखिए, हमें ये नहीं पता कि कितना अमाउंट हमने जमा किया है, तो जब भी आपको ये ना पता हो तो आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं कि अमाउंट कितना था। तो हमने मान लिया क्या, लेट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमने मान लिया कितना, 100x। अब अगर 100x का प्रिंसिपल है आपका, क्लियर, तो इस पे जो आपको ब्याज मिलेगा 15% का, और जो आपका टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन कितना है, 3.5 ईयर्स। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ से आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट 52.5 का, क्लियर, एक्स के टर्म में लेना है। अब हम बात करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, हमने कितना पैसा जमा किया है, इसमें हमने सेम अमाउंट जमा किया है, तो प्रिंसिपल आपका अगेन 100x होगा, और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कितना है, 15%। डिफरेंस सिर्फ कहाँ पे है, टाइम का, और इसमें टाइम कितना है, 5। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा आपका यहाँ से 75x, क्लियर, 75x। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, इन दोनों के जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 144। पहले वाले केस में मुझे जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है कितना, 52.5 का, और सेकंड केस में 75 का। तो जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 22.5x, क्लियर। और जो डिफरेंस है हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है 22.5x, बट इनके अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है, 144। तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 144 अपॉन में 22.5। और हमें पता क्या करना था, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमने माना था 100x, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो यहाँ से याद आएगा कितना, 16 × 4, ये आ जाएगा 640, क्लियर, 640 आपका प्रिंसिपल था जो आपने बैंक में जमा किया था वो। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी, इस पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, क्या रमेश बोरोज रुपीज 7,000 फ्रॉम अ बैंक एट एस आई। रमेश एक बैंक से 7,000 रुपये उधार लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट पर। आफ्टर 3 ईयर्स ही पेड रुपीज 3,000 टू द बैंक। एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग ही पेड रुपीज 5,450। अब देखिए यहाँ पे क्या, 3 साल बाद उसने कितना दे दिया, 3,000। और जब से उसने बैंक से लोन लिया था उसके 5 साल बाद कितना दिया बैंक को, 5,450। तो हमें ये बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है इसे। तो अगर मुझे पहले ऐसा ही निकालना होगा, तो एक चीज़ यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब कि उसने पैसा उधार कितना लिया था। अगर हम बात करें प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल होता है आपका जो स्टार्टिंग में पैसा उधार लिया जाए या जो किसी को दिया जाता है। तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 7,000 जो दिया हुआ है। और अमाउंट की बात करें हम, तो आपका जो अमाउंट दे रखा है वो कितना है, अमाउंट है 3,000, तो आपने एक बार दिए, और फिर आपने कितना दिया है, 5,450 रुपये। टोटल आपने कितना दे दिया बैंक को, 8,450। अब आपने लिए थे 7,000 रुपये और दे दिए 8,450, यानी जो आपने एस आई दिया है वो कितने का दिया है, वो दिया है आपने 1,450 का, क्लियर, 1,450 का आपने एस आई दिया है। यहाँ तक तो आसान था, कुछ नहीं है, बट आगे क्या कह रखा है कि पहले 3 साल में आपने 3,000 रुपये दे दिए, तो पहले 3 साल में आपने ब्याज कितना दिया वो निकाल लेते हैं। तो पहले 3 ईयर्स पर ब्याज, ये आपका कितना निकलेगा, ऐसा ही निकालना है। प्रिंसिपल पता है 7,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है कितना है, बट टाइम पता है कितना, 3 साल। 3 साल यहां से कितना हो जाएगा, ये यहां से आपका ऐसा ही आ गया
210R, क्लियर 210R। अब अगले 2 साल का निकाल लेते हैं हम, तो अगले 2 साल की बात करूं मैं, अगले 2 साल का जो आपका ब्याज होगा वो कितना होगा। अब एक चीज देखिए, 7,000 रुपये आपने उधार ले रखे थे जिसमें 3,000 दे दिए, यानी जो अब अगले 2 साल पे आपको ब्याज देना होगा वो कितने पे देना होगा, 4,000 रुपये। 4,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, टाइम पता है कितना, 2 साल। तो यहाँ से ये आ जाएगा कितना आपको, SI ATR, क्लियर। अब ATR आपका यहाँ से SI आ गया। अब टोटल जो आपका SI दे रखा है वो कितना दे रखा था, यहाँ पे हमने निकाला था 1450, और हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है, पहले आया था 210 और उसके बाद आया है 80। तो टोटल SI हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है कितना, 290R, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपका 1450। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से R की जो वैल्यू आ जाएगी, R आ जाएगा आपका कितना, 5%, क्लियर। R आ जाएगा 5%, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके सजेस्ट कीजिए, या आप पर्सनली भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे कार्ड पे नंबर दिए हुए हैं, या आप हमें गूगल पे भी, वेबसाइट हमारी तैयार हो चुकी है, आप वहाँ से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, सम अमाउंट वॉज आउट ऑफ रुपीज 7,000, लेंट एट 6%। आपके पास टोटल 7,000 रुपये थी, उसमें से कुछ आपने दिया 6% की दर पर, एंड द अदर पार्ट एट 4%। इफ द टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द सम इन 5 years वॉज ₹1600, अगर 5 साल बाद आपको दोनों से कितने रुपए मिले हैं, टोटल 1600 रुपये। तो हमें यह बताना है क्या कि 6% की दर पर आपने कितने पैसे उधार दिए थे, ठीक है, 6% की दर पर। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड से वैसे आपके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो जो आपका एलिगेशन मेथड है वो अप्रोच क्या कहता है, दो पार्ट्स हैं, एक है आपका फर्स्ट पार्ट और दूसरा आपका सेकंड पार्ट। हमने मान लिया क्या कि पहले सभी को 6% पर दे दिया, तो टोटल अमाउंट कितना है आपको, 7,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, 6%, और टाइम कितना है, 5 साल। सेकंड केस में जो आपका प्रिंसिपल होगा, अगेन 7,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, एंड जो टाइम होगा वो कितना होगा, 5 years, और टोटल जो आपको ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 1600, उसे हमें बीच में रखना है। यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना आपका, 742, 420 इंटू में 5, तो ये आ जाएगा 2100, और यहाँ से इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, ठीक है, 1400, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका 500, और ये आ जाएगा कितना, 200। तो रेशियो क्या आ गया, 2:5 का। अब हमें बताना क्या था कि जो 6% पे दिया गया था वो धन कितना था, तो 6% वाले का रेशियो कितना है, 2, और टोटल कितना है, 7, और इंटू में जो आपका टोटल अमाउंट है, प्रिंसिपल है, वो कितना है, 7,000। तो यहाँ से ही आ जाएगा कितना, 1,000 इंटू में 2,000। अब यहाँ से अगर पूछा होता कि सेकंड पार्ट कितना है, तो फर्स्ट पार्ट तो था आपका 2,000, सेकंड पार्ट कितना निकल जाएगा, 5,000, क्लियर। हमने क्या किया एलिगेशन मेथड से, हमने मान लिया क्या कि सभी धन को पहले 6% की दर पर हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो 6%, टाइम दे रखा था 5 साल। सेकंड केस में क्या किया हमने, वैसे एलिगेशन का कंसेप्ट में आपको एलिगेशन वाला चैप्टर जब कराऊंगा उसमें सारा बिल्कुल क्लियर बता दूंगा। इसमें हमने मान लिया क्या कि सभी को हमने इन्वेस्ट कर दिया 4% की रेट पर, और टाइम कितना आपका, 5 years। फिर यहाँ से हमने एलिगेशन लगा दिया, एलिगेशन मेथड, और यहाँ से हमने रेशियो निकाल लिया 2:5 का। फिर हमने आगे सॉल्व कर लिया। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, क्या अ मैन इन्वेस्ट 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 7%, 1/4 एट 8% एंड द रिमेनिंग एट 10%। इफ हिज एनुअल इनकम इज रुपीज 561, फाइंड द कैपिटल। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसने कितनी बार इन्वेस्ट किया, पहले को 1/3, 1/4 और जो रिमेनिंग होगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, 1/3 लीजिए और 1/4, और कोई एक ऐसा नंबर लीजिए जो 3 से और 4 से दोनों से डिविजिबल हो, थोड़ा बड़ा फिगर ले लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैंने ले लिया क्या 1200, मैंने मान लिया क्या लेट द प्रिंसिपल इज 1200। अब आपका प्रिंसिपल कितना है 1200, अब प्रिंसिपल 1200 है, तो इसे मैंने तीन पार्ट्स में इन्वेस्ट किया है। फर्स्ट केस में 1/3 हिस्सा, तो इसका 1/3 हिस्से की अगर मैं बात करूँ तो 1/3 कितना हो जाएगा 400, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पहले वाले का 7%। क्लियर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। टाइम एक साल है इंटू में 1, प्लस सेकंड पार्ट कितना होगा 1/4 यानी कि 300, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सेकंड वाले का 8%। टाइम अगेन 1, और जो आपका थर्ड पार्ट है वो कितना होगा बचा हुआ, कितना बच गया है 500, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और टाइम कितना है अगेन एक साल। तो यहाँ से अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है 28 प्लस में 24 प्लस में 50। क्लियर, ये आ गया आपका कितना 50, ये एक्स की टर्म में ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें अमाउंट पता नहीं था, तो यहाँ से तो जो आपका 28x, 24x एंड 50x, तो यहाँ से सॉल्व करने पे आ जाएगा कितना 102x। टोटल आपको ब्याज मिला है कितने का 102x का, बट इसके अकॉर्डिंग जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है 561 का, तो 102 इक्वल है किसके 561 के, तो 561 बटा में 102, और प्रिंसिपल हमने कितना माना था 1200। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा कितना, 17 से काट देते हैं, 17 6 102, 17 3 51, 17 3 51 ये कट जाएगा, 6 2 200 इंटू में 33, तो ये आ जाएगा कितना 6600। क्लियर, यानी 6600 रुपये आपका अमाउंट था, जिसे आपने एक को 1/3, एक को 1/4 और जो बचा हुआ था उसे 10% पे इन्वेस्ट किया, तो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 561। ये थोड़ा हिंदी में टाइपिंग हो गया है, ये आपका 1/3 है, ये 7% है, ये 1/4 है, ये 8% है, और ये आपका टोटल यहाँ पे 561 है। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। हमें करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको एक बड़ा फिगर ले लेना है और उसका फिर पार्ट निकाल देना है अलग अलग, तो उससे आपका आंसर इजीली आ जाएगा। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस पार्ट का, वो हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले और ऐसे हम और कड़ी मेहनत करके आपको बेस्ट एंड इजी कंसेप्ट्स प्रोवाइड कर सके, ताकि आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।